नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। हर दिन की तरह आज फिर एक बार हम आपके साथ जुड़े हैं और आज सुबह की क्या कुछ ताजा खबरें न्यूज़पेपर्स में छपी हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे अपने राउंड अप ऑफ न्यूज़पेपर विद जम्मू क्रॉनिकल के शो में। और शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के साथ। तो दैनिक जागरण में जो आज बड़ी खबर छपी है वो परिसमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर ही छपी है। और जो खबर छपी है कि आपत्तियां सभी तरीके की जो खारिज हो गई हैं, जो एक इंटरिम रिपोर्ट जो है साझा की गई थी सभी एसोसिएट मेंबर्स के साथ, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो 5 सांसद हैं उनके साथ जो दिसंबर के महीने में आपत्तियां दाखिल करवाने के लिए रिपोर्ट साझा की गई थी, वो सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए अब परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 ही सीट बढ़ेगी। परिसीमन आयोग ने सहयोगी दलों को सौंपी अंतिम रिपोर्ट, कई मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी होगा। तो सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, परिसन आयोग इन जिलों में बढ़ेंगी सीटें। कौन कौन सी जिले हैं हम हमने आपको पहले भी बताए थे, एक बार फिर बता देते हैं। कश्मीर संभाग में बढ़ाई जाने वाली सीट उत्तरी कश्मीर के जिला कपवाड़े में बताई जा रही है, जबकि जम्मू संभाग में सांबा, कठुआ, रजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक एक विधानसभा की सीट जो है वो बढ़ाई जाएगी। जून के बाद चुनाव कराने की कार्य योजना पर हो रहा है काम, अब सहयोगी सदस्य सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराएंगे, यानी कि अब जितने भी सहयोगी सदस्य हैं वो सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाएंगे। जो पहले 31 दिसंबर तक का टाइम जो है एसोसिएट मेंबर्स को दिया गया था उनको उनकी तरफ से जो है जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पहले ऐसी थी विधानसभा की सीटें, वो आप सभी को मालूम है। इसके साथ साथ लंबित 1000 पदों पर भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ा फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा लिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 के पहले रेफर किए गए पीएससी और एसएसबी को जो पद रेफर किए गए थे उनको खारिज कर दिया गया है। जीएडी का आदेश जो है वो जारी किया गया है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पद सभी इसमें जो है वो शामिल होंगे। 21 मई को होगी नीट पीजी 2022 की परीक्षा और इसके साथ साथ 5वीं बार खिताब जीतने उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम। अंडर-19 विश्व कप मैच का समय जो है 6:30 बजे प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। पिछले 14 सत्र में 8 बार फाइनल खेलकर 4 खिताब जीत चुकी भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप इतिहास का सबसे कामयाब टीम रही है और एक बार फिर जो है अंडर-19 वर्ल्ड कप की जो है वो शुरुआत हो रही है और इस खिताब को 5वीं बार जीतने के लिए उतरेगी मैदान में। के साथ साथ में अमर उजाला में क्या कुछ छपा है, जम्मू संभाग में विधानसभा की 5 और कश्मीर में 4 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इससे पहले जितनी भी सीटें थी वो सभी की सभी जम्मू में ही जो है वो आरक्षण थी एसटी की सीटें, लेकिन अब जम्मू संभाग में 5 और कश्मीर में 4 सीटें आरक्षित की जाएंगी। जम्मू में तीन सांबा, कठुआ, उधमपुर व डोडा में एक एक सीट जो है एससी को पहले आरक्षित सीट को अब ओपन कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति की सीटें भी होंगी अब निर्णायक। ये खबर जो है वो परिसमन आयोग को लेकर ही जो है सामने आई है। परिसमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सांसदों को सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट, 10 दिन में मांगे सुझाव व आपत्तियां। 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व विज्ञप्ति पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद्द, सरकार ने वापस लिए हैं सभी पद। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों पर कार्रवाई की तैयारी, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। 2274 नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है, 2014 के ऑडिट में मिली थी ये गड़बड़ी। खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है, खिलाड़ियों को नौकरियों के साथ पुरस्कार। कल ये एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से जो एक बैठक हुई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उसको पूरी तरह से जो हेड किया था उसमें ये फैसला जो है वो लिया गया है। इसके साथ साथ में विंटर जोर 12वीं में बेटियों का दबदबा जो है वो सामने आया है। कल ये रिजल्ट जो है वो हमने आपको अपनी खबर के माध्यम से बताया था। इसके साथ साथ में डेली एक्सेलसियर में जो खबर है वो भी डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर छपी हुई है। डिलिमिटेशन कमीशन समिट रिपोर्ट ऑफ 5 एसोसिएट मेंबर इन पार्लियामेंट और इसके साथ साथ में 3 कोविड डेथ, 1429 फ्रेश केसेस इन जेंट के, गवर्नमेंट विड्रॉ ऑल पोस्ट रेफर टू द पीएससी एंड एसएसबी पीरियड टू 31 अक्टूबर 2019। तो ये बड़ी खबरें जो हैं ये डेली एक्सेलसियर की हैं। और डीएचएस के नोट 2274 इलीगल अपॉइंटमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ
की तरफ से जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में 2274 इलीगल अपॉइंटमेंट जो है वो डिटेल सीक की गई है। नो रूम फॉर कम्प्लीमेंसी टफ कोरोना केसेस ऑन डिक्लाइन एलजी, नो रूम फॉर कम्प्लीमेंसी टफ कोरोना केसेस टफ कोरोना केसेस ऑन डिक्लाइन। तो ये एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो कल एक बैठक ली गई थी सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, उस पर ये जो है वो कहा गया है। इवनिंग फ्लाइट सस्पेंडेड इन श्रीनगर, ये भी कल खबर हमने आपको दिखाई थी। इसके साथ साथ एनुअल अवार्ड कैश प्राइज स्कॉलरशिप फॉर प्लेयर एंड एसी अप्रूव्ड स्पोर्ट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से स्पोर्ट पॉलिसीज को भी मंजूरी दे दी गई है। माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्कर डिनाइड होनोरेरियम सिंस 2019। तो डेली एक्सेल की कुछ बड़ी खबरें हैं। अर्ली टाइम न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है, अनदर शॉक फॉर एजुकेटेड यूथ फॉर जेएंडके, और जो कल डिसीजन लिया गया है जिसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद की जितनी भी सीटें एसएसबी और जेके पीएससी को सौंपी गई थी और जिसके लिए बाकायदा बच्चों ने एग्जाम भी दिए थे, उनकी सिलेक्शंस भी हुई थी, हालांकि अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उन सभी सीटों को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेक अप सस्पेंड अटैच एयरिंग ऑफिशियल्स। इसके साथ साथ में डिसीजन टू विड्रॉ पोस्ट इनह्यूमन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है। और इसमें कहा गया है एडवोकेट अभिनव शर्मा जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उनकी तरफ से कहा गया कि जो डिसीजन सीटों को विड्रॉ करने के लिए, पोस्ट को विड्रॉ करने के लिए लिया गया है, ये इनह्यूमन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कश्मीर डायरेक्टर हेल्थ सीक्स डिटेल ऑफ 2774 फ्रॉडेंट अपॉइंटीज, राजस्थान गवर्नमेंट लिफ्ट नाइट कर्फ्यू, जेएंडके एडमिन स्टिल फॉलोइंग ओल्ड कोविड गाइडलाइंस। तो सभी तरह के नाइट कर्फ्यू जो है वो राजस्थान में हटा लिए गए हैं और जम्मू कश्मीर में अभी भी पुरानी ही जो कोविड गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। किश्तवाड़ अटैच टीएसओ बिकम्स इन चार्ज अगेन। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो हैं जो छपी हैं आज अर्ली टाइम न्यूज़पेपर में। और द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो ईडी अरेस्ट पंजाब सीएम चन्नी नेफ्यू, तो पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जो नेफ्यू हैं उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। राइज इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर, वी नीड समवन ऑनेस्ट एट टॉप, सिद्धू ने ये कहा है कि हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो पूरी तरह से ऑनेस्ट हो। टेकिंग इलेक्शन फाइट टू द स्काइस, पंजाब पोल पार्टीज प्रिंट सिंबल ऑन काइट्स ऑफ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पर जो पतंगबाजी होती है पूरे देश के अंदर, उस पर भी अब इलेक्शन का प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। चाइना ब्रिज इन इलीगल हेल्ड एरिया, गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट की तरफ से जो है वो कहा गया। ये खबरें जो थी ये आज छपी हैं द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में। और इसके साथ साथ में द राइजिंग कश्मीर में आज क्या कुछ बड़ा छपा है वो भी जानकारी हम आपको हर दिन देते हैं। और आज की जो बड़ी खबरें हैं राइजिंग न्यूज़पेपर की वो डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर ही है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन पर ही सबकी नज़रें जो हैं वो बनी हुई थी और लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अंतिम रिपोर्ट एक दो दिन में आ सकती है। और अंतिम रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर जितने भी 5 पार्लियामेंटेरियन हैं जम्मू कश्मीर के उनको सौंप दी गई है और उनसे कहा गया है कि 10 दिन के अंदर आपत्ति अपनी दर्ज कराएं। तो गवर्नमेंट डिटरमाइंड टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्टिविटी टू एवरी हाउस होल्ड, एलजी सिन्हा की तरफ से ये कहा गया है। तो राइजिंग कश्मीर में आज ये बड़ी खबर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है टैप वाटर, यानी कि हर घर नल से जल जो है वो एक स्कीम जो लॉन्च की गई थी उसमें सभी हाउस होल्ड सभी घरों को नल से जल प्रदान करने के लिए सरकार पूरी तरह से डिटरमाइन है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो हैं आज की हेडलाइन बनी थी अलग अलग समाचार पत्रों में। कल फिर इसी जगह इसी समय इसी अंदाज में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे आपके राज्य में आपके देश में आपके शहर में क्या कुछ ऐसी बड़ी खबरें घटी हैं जो जिनसे आप अनभिज्ञ हैं और जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बने रहिए जम्मू क्रॉनिकल के साथ, मुझे दीजिए नमस्कार, अजयत नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल।